देख के पागल पागल हो गया, वाह मैं गांधी फेलोशिप मेरा हो गया, फाइनली मैं गांधी फेलो बन गई। तो वो सब मैं सुन के बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ जो... तो हे गाइस, मैं अभी गांधी फेलोशिप के बारे में डिटेल्स में थोड़ा वीडियो बनाऊंगी। तो गांधी फेलोशिप इज़ ए 2 ईयर प्रोग्राम जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि स्कूल के बच्चे के साथ आप कैसे डील किया जाता है। और एज़ पर माई नॉलेज स्कूल पे कोई कोई बच्चे होते हैं कि क्लास में पीछे रह जाते हैं, कोई कोई बच्चे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, या फिर उनका जो मेंटेलिटी है, उनको जो अटेंटिवनेस है, क्यों एक बच्चा ड्रॉप आउट होता है स्कूल से, मतलब क्लास 6 होने के बाद कोई बच्चा स्कूल पे नहीं आता है, कोई बच्चा क्लास 5 के बाद स्कूल नहीं आता है, तो कोई बच्चा क्लास 8 के बाद स्कूल नहीं आता है, कंटिन्यू जो स्टडी होता है उनका कंटिन्यू नहीं होता, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। कोई बच्चा स्कूल पे तो आता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है एडुकेशन पे, कोई बच्चा किसी के साथ मिंगल नहीं करना चाहते, मतलब एक ही क्लास पे बैठते हैं लेकिन वो अलग रहता है, अलग रहती है, उसको दूसरे के साथ बात नहीं करना मतलब पसंद है, उसको अकेले रहना पसंद है। तो ये सब क्यों होता है, एक बच्चा जब स्कूल पे जाता है उसका मोटिव क्या रहना चाहिए कि पढ़ाई, एडुकेशन इज द बेस्ट थिंग यू कैन अर्न इन योर लाइफ, करेक्ट, मतलब एडुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपका जिंदगी का पिलर है, अगर उसको मजबूत करोगे तो जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, आगे बढ़ने के लिए एडुकेशन ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो सब सिखाने के लिए हमको स्कूल चाइल्ड को बहुत ही ज़्यादा उनको मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रखना चाहिए। लेकिन अगर आप स्कूल जाते हो, आप देखते हो कि एक स्कूल पे कितना सारा बच्चा रहता है, लेकिन एक ही क्लास पे अगर 10 या 12 बच्चा रहता है तो उसमें से हर कोई बच्चा एक्टिव नहीं रहता है। क्यों नहीं एक्टिव रहता, उसका कारण क्या है, उसके वजह से गांधी फेलोशिप प्रोग्राम जो है डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे हर एक सोशल वर्कर जो है, हर एक गांधी फेलो वो स्कूल पर जाएंगे, वो स्कूल चाइल्ड के साथ डील करेंगे। और ये प्रोसेस जो इसमें बहुत सारा मीटिंग सेशंस, काउंसलिंग सेशंस, बहुत सारा सेशन किया जाता है, और बिकॉज चाइल्ड एक ऐसा चीज़ है जो हमारा इंडिया का फ्यूचर है, उसके वजह से गांधी फेलोशिप प्रोग्राम जो है चाइल्ड को ही ज़्यादा फोकस उन्होंने किया है। तो ये सब जो है प्रोसेस होते होते 2 साल का कोर्स रहता है, 2 ईयर का कोर्स रहता है, उसमें 2 साल पीरियड में आपको डिफरेंट लोकेशन दिया जाएगा। यस, पहले कैसे अप्लाई करना है, हर साल पे शायद अक्टूबर से लेके अप्रैल या मार्च तक उसका जो गांधी फेलो का जो वेबसाइट होता है वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। चाहे आपने मास्टर डिग्री किया हो, चाहे वो आपने बैचलर डिग्री किया हो, कहीं से कोई भी स्ट्रीम से आपने किया हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का जो पोर्टल डेट होता है हर साल का अक्टूबर से लेके अप्रैल तक, मतलब अक्टूबर से लेके अप्रैल तक ही होता है। तो आप लोग एक बार वेबसाइट में चेकआउट कर लीजिएगा, हर टाइम वो लोग ऐसा कर नहीं करते, कुछ चेंजेस आता रहता है, लेकिन जो मुझे एश्योरिटी है अक्टूबर से लेके अप्रैल तक इसी बीच में वो लोगों का पोर्टल ओपन हो जाता है। आपको खुद को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है पहली बात, दूसरी बात आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका मेल आईडी पे कंफर्मेशन आता है दैट यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद गांधी फेलोशिप प्रोग्राम। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन तो हो गया, उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि आपका बोर्ड क्लास 10 का एग्जामिनेशन हुआ है, क्लास 12 का एग्जामिनेशन हुआ है, बैचलर डिग्री का एग्जामिनेशन हुआ है, किस स्ट्रीम पे आपने पढ़ाई किया है, क्या सोशल वर्क था या फिर कोई और ही स्ट्रीम था, उसका सब कुछ एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है स्टेप 1 होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टेप 2 होता है एडुकेशन डिटेल्स, वो सब फिलअप किया जाता है, पर्सनल डिटेल्स सब कुछ, एड्रेस वगैरह सब कुछ फिलअप कीजिए। उसके लास्ट स्टेज में एक क्वेश्चन पोर्टल ओपन होता है जहाँ पे आपको 4 या 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी 5 या 6 क्वेश्चन पे पहले क्वेश्चन रहेगा आपके अंदर क्या नेगेटिविटी है और कैसे आप उसको डील करेंगे, आपके अंदर क्या नेगेटिविटी है उसको कैसे डील करेंगे, आपके अंदर क्या पॉजिटिविटी है उसको कैसे आप और ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, उसको कैसे डील करेंगे, और आपके साथ ऐसा क्या बुरा चीज़ हुआ और आपने उसको कैसे रिकवर किया। जैसे कि एक बैड एक्सपीरियंस हर आदमी के साथ होता है, तो
कैसे आपने उस बैड चीज से, वो बैड एक्सपीरियंस के साथ अपने डील किया, आपका ऐसा कुछ है, मतलब क्वेश्चन जो होता है आपसे ही रिलेटेड होगा और आप एक स्टोरी के जैसे बना के लिख पाओगे, ये मेरा गारंटी है। बिकॉज मुझे मेरा टाइम पे किसी ने नहीं मुझे बोला कि ऐसा ऐसा होता है कि ऐसा ऐसा करो। मैंने सिर्फ गांधी फेलोशिप का वेबसाइट में मैंने खुद रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद उनका जो है जो फैसिलिटी है एवरीथिंग मैंने पढ़ा, उसके बाद मुझे कंफर्मेशन आया कि मेरा जो एप्लीकेशन है दैट यू हैव सक्सेसफुली, नहीं उसके पहले क्या हुआ है कि आपको पूरा काफ़ी 2 साल हो गया इसके लिए थोड़ा थोड़ा याद नहीं है, लेकिन मैं याद करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद एडुकेशन डिटेल्स पूरा करना पड़ता है, एडुकेशन डिटेल्स पूरा करने के बाद लास्ट पोर्टल आता है क्वेश्चन, जहाँ पे 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन रहेगा, वो पैराग्राफ वाइज आप लिख सकते हो, और ऐसा नहीं कि वन शॉट में लिखना है, आप सेकेंड टर्न मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, पासवर्ड आपको पता चल गया, तो सेकेंड टाइम लॉग इन करके उसे क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। वहाँ पे आपको देखना है कि आपके अंदर क्या नेगेटिविटी था या आपके साथ क्या बुरा हुआ, तो क्या क्या बुरा हुआ तो उसको कैसे आपने ओवरकम किया, कैसे आपने हैंडल किया वो लिखना है, और आपका क्या बेस्ट अचीवमेंट था, आपका क्या बेस्ट अचीवमेंट था लाइफ में, कैसे सब लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया वो भी लिखना है। और एक सिनेरियो रहेगा, जैसे कि एक गांव पे मतलब सॉरी उसको एक विलेज पे आपको क्या करना है, एक विलेज पे पानी का प्रॉब्लम है, वाटर का प्रॉब्लम है, तो उस वाटर का प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे एज ए सोशल वर्कर आप कैसे उसको डील करेंगे, ऐसा वाला एक सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा। या फिर किसी का कुछ कुछ तो सोशल प्रॉब्लम रहता है, तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, ऐसे सोशल वर्कर आप कैसे उसको डील करेंगे, ऐसा सोशल रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। आपको सिर्फ उसको क्या करना है, फिलअप करना है, जो आपको मन पे आता है, जो अगर आप सोशली अवेयर है, खुद का क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे सकते हो, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो सोशल रिलेटेड होता है। अगर आप सोशल वर्क जिंदगी पे नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होगा कि सोशल वर्क कैसे किया जाता है, कैसे मतलब वो लोग आपको देखेंगे कि आपने कैसे उसको लिखा है, तो वो सब लिख के सबमिट कीजिए। और फर्स्ट राउंड होता है, जो आपने क्वेश्चन लिखा वही आपका टेस्ट हो गया। तो मेरा तो मैंने पता नहीं क्या क्या लिख के मैंने सबमिट कर दिया, कुछ ही दिनों के अंदर मुझे मेल पे कंफर्मेशन आया कि यू हैव सक्सेसफुली क्लियर योर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड विल बी योर ग्रुप इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन, ऐसा कुछ मेल आया था। तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई थी कि हाँ हाँ मेरा हो गया, मुझे मैं ऐसे ही कंप्यूटर सेंटर पे गई, एप्लीकेशन ओपन किया, उसको दबाया, जो भी है मैंने जो भी उस टाइम पे, तो मेरा इंग्लिश इतना ही ख़राब था, सच में मेरा इंग्लिश इतना ही ख़राब था, मुझे जितना भी आया मैं सब टाइप करके सबमिट कर दिया। उसके बाद मुझे मेल कन्फर्मेशन आ गया कि यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड योर फर्स्ट राउंड। सो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी ग्रुप डिस्कशन के लिए, इंटरव्यू के लिए, क्या होगा, क्या मैं कर पाऊँगी कि नहीं, फिर लॉकडाउन शुरू हो गया, फिर ये जो प्रोसेस है उन्होंने क्या क्या डिले कर दिया, बोला कि ये जो प्रोसेस है हम लोग नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करेंगे, तो फिर भी मेरा अंदर एक होप था कि नहीं नहीं हो जाएगा, मुझे करना है। फिर वर्चुअल सब शुरू हो गया, ऑनलाइन प्रोसेस सब शुरू हो गया, तो मुझे बोला क्या कि ऑनलाइन हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ऑनलाइन ही हम लोग इंटरव्यू लेंगे। तो उसके लिए फिर से एक मेल आया कि ग्रुप डिस्कशन के लिए जूम मीटिंग पे ग्रुप डिस्कशन होगा, हर कोई जो फर्स्ट राउंड क्लियर कर चुके हैं उनका ही हम लोग ग्रुप डिस्कशन लेंगे, तो उसी टाइम पे आप जूम पे लॉग इन कर देना। तो हर साल ऐसा नहीं होता है, आप अप्लाई कीजिए, पहले तो रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद वो क्वेश्चन फिलअप कीजिए, अगर आप उसी फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेते हैं तो आपको फिजिकली भी इंटरव्यू किया जाता है, जो हर साल कोई भी एक कैंपस में आपके घर के यूनिवर्सिटी के आसपास कोई भी एक लोकेशन पे जो है आपको जाके इंटरव्यू देना पड़ता है, ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कोविड, बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक, हम सब का इंटरव्यू ऑनलाइन ही हुआ था, वर्चुअल जे जूम पे हुआ था। फिर मैं बहुत ही नर्वस थी, तो मुझे बोला गया था कि लॉगिन करने के लिए, तो हमने लॉगिन किया जूम पे, मेरे जैसा ही 4-5 पार्टिसिपेंट थे, एप्लीकेंट थे मेरे जैसा ही, और एक मैम थे वहाँ पे जो मार्केटिंग डायरेक्टर था गांधी फेलोशिप का। तो उन्होंने समझाया कि अभी आप सब के पास 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर हम लोगों को टॉपिक दिया गया था सोशल मीडिया और कोविड-19,
शायद ऐसा ही कुछ टॉपिक था, बहुत ही इजी टॉपिक था, लेकिन उसी दो टॉपिक के अंदर एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है, उसी एक टॉपिक के ऊपर आप पांच लोग डिस्कस करेंगे। तो जब सोशल मीडिया बोला, मैं पहले उठ के बोला कि मैम वी विल डिस्कस ऑन सोशल मीडिया, तो सबने बोला ठीक है ठीक है। तो सबने अपना माइक जो है उसको अनम्यूट किया, उसके बाद स्टार्ट किया मैंने। मुझे तो और वहाँ पे ऐसा बैरियर नहीं है कि आपको हिंदी में ही बोलना है या फिर इंग्लिश में ही कंटिन्यू करना है। आपका लैंग्वेज अगर हिंदी है, अगर आपको इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल नहीं है, आप हिंदी में बोलिए। अगर आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा फ्लुएंट है तो इंग्लिश में बोलिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपको बोलना है, आप नर्वस मत होइए। वो जो पाँच मिनट है, जो मैम थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने खुद को म्यूट कर दिया और हम सब ने शुरू कर दिया डिस्कशन। तो मैंने स्टार्ट किया कि सोशल मीडिया वो है, सोशल मीडिया से वो हो सकता है, डिसएडवांटेज एडवांटेज। उसी टाइम पे और एक एप्लीकेंट ने कुछ कुछ बोला और किसी, मतलब पाँच मिनट हम लोग डिस्कस ही किए। मैंने तो खुद को ऐसा प्रिपेयर किया कि जो भी होगा तो मैं नहीं चुप रहने वाली हूँ, मैं बात करूँगी, ताकि आप जो आपको देख रहे हैं उनको लगे कि आप बहुत ही एक्टिव है। तो मैंने पक 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 जो भी है, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। और ग्रुप डिस्कशन का एक लिंक आया, लॉगिन किया, बस कोई भी प्रिपरेशन नहीं, कोई, मुझे पता है कि ग्रुप डिस्कशन ऑल अबाउट वो ऑन द स्पॉट टॉपिक देंगे और आपको बात करना है, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन, उसके लिए सिर्फ मेंटली प्रिपरेशन रहना है, जहाँ पे आपको सिर्फ वही बात सोचना है कि ग्रुप डिस्कशन पे कोई भी टॉपिक दो, चाहे कोई भी टॉपिक दो, आपको जितना पता है सिर्फ आपको बोलना है। अगर आप चुप रहेंगे, आपका जो टर्न आएगा, अगर परवीन आप कुछ बोलिए, अगर मैं चुप रहती तो मैं शायद क्लियर नहीं कर पाती। तो ये बात याद रखिएगा, चुप नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा बोलना है, किसी और को बोलने का भी मौका दीजिए, लेकिन उनको भी ओवरटेक करने के लिए सोचिए। तो वही होता है ग्रुप डिस्कशन का जो है स्मार्टनेस, कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी नर्वस, बिकॉज वो पाँच मिनट आपको दिया गया है, आपको दिखाना है कि यू कैन डू इट, यू कैन बी ऑल्सो ए गांधी फेलो। तो ऐसा करके करके गांधी, हम लोग का ग्रुप डिस्कशन 10 मिनट कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैम ने बोला कि आप सबको पर्सनल जो इंटरव्यू है उसके लिए कॉल आ जाएगा, सो वेट कीजिए। तो मैंने वेट किया, तो 10 दिन के बाद मुझे एक कॉल आया कि सुबह 8 या 9 बजे मुझे कॉल आया कि आपको वो पर्सन इंटरव्यू के लिए कि आप रेडी है, आप क्या दे सकते। उसी टाइम पे मुझे घर से बाहर जाना था, मैं क्या सोच रही थी, अरे अभी इंटरव्यू में कैसे दूंगी, लेकिन मैंने बोला अगर मैंने ये कॉल मिस कर दिया तो शायद कुछ मैंने शायद इंटरव्यू ही मिस कर दिया, शायद वो लोग दोबारा कॉल ही ना करें। तो मैंने बोला सर आई एम रेडी। तो सर ने क्या किया, 5 मिनट के अंदर मेरा नंबर पर कॉल, मतलब मुझे एक कॉल करके पूछा दैट आई एम रेडी और नॉट, मैंने बोला हाँ मैं रेडी हूँ। तो 5 मिनट के अंदर सर ने फिर दोबारा कॉल किया और कंटिन्यू क्वेश्चन चला पूरा 40 मिनट्स तक हमने बात किया। सर ने मेरे बारे में पूछा, मेरे फैमिली के बारे में पूछा, मेरा एजुकेशन के बारे में पूछा, मेरा अचीवमेंट के बारे में पूछा। उसके बाद थोड़ा चले गए सोशल वर्क रिलेटेड, व्हाट इज़ गांधी फेलोशिप, व्हाई यू वांट टू जॉइन गांधी फेलोशिप, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड व्हाट यू विल डू वंस यू विल बिकम ए गांधी फेलो। तो वो सब थोड़ा जब थोड़ा पर्सनल बात नहीं, वो मेरा जब प्रोफाइल, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ, मैंने क्या किया, वो सब खत्म करने के बाद चले गए वो लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे, जहाँ पे मैंने हर एक क्वेश्चन का जो मैंने एप्लीकेशन पे डाला था, जो आप जब अप्लाई करते हो वहाँ पे ही वो क्वेश्चन रहता है, सिर्फ वो लोग थोड़ा अलग, मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूछेंगे। मैं वो मेरा एप्लीकेशन याद कर रही थी और मेरा दिमाग में जो था मैंने वही बोला कि गांधी फेलोशिप इज़ ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सोशल वर्कर टू लाइक to deal with all the society and everything। तो मैंने उनको ये बोला, उसके बाद बोला कि because गांधी फेलो एक child, मतलब चिल्ड्रेन के साथ वो लोग डील करते तो क्या होगा, आप कैसे डील कर पाओगे, और चिल्ड्रेन का क्या क्या इशू है इंडिया में बेसिकली चिल्ड्रेन का क्या क्या इशू है, उसको आप कैसे एनालाइज करोगे, वो सब मैंने अच्छे से, जितना देखिए मैं इतना स्टडी नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे जितना भी आता था मैंने सर को बताया। सर ने उसके बाद मुझे वो भी पूछा कि आपका लाइफ में ज़्यादा अचीवमेंट क्या था, मैंने उनको बताया। उसके बाद मुझे पूछा कि आपका लाइफ में क्या बैड एक्सपीरियंस था, तो मैंने वो भी बोला। मतलब सर पूछ ही रहे, मैं बता ही रही। लास्ट में मैंने सर को पूछा, जब सर ने बोला योर इंटरव्यू इज़ ओवर, तो मैंने सर को पूछा सर यू वांट टू गिव एनी फीडबैक टू मी, तो
ऐसा होने से ना जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको भी इंटरेस्ट आ जाता है कि आपको थोड़ा एडवाइस दे, बिकॉज आपको भी नहीं पता कि आप गांधी फेलो हो, आप बन पाओगे कि नहीं, बट एटलीस्ट वो कॉल पे सर को पूछ सकते हो कि क्या डेवलपमेंट आपके अंदर होना चाहिए। तो सर ने पूछा, मैंने पूछा कि सर आई थिंक माई इंटरव्यू इज ओवर, सो मैं कैन लाइक क्या मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? तो उन्होंने बोला यस यस। तो मैंने बोला कि सर क्या मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा था, कैसे मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या फ्यूचर में जब मैं इंटरव्यू फेस करूँगी मुझे क्या क्या और एडिशन करना चाहिए। सर ने मुझे बहुत ही 2 मिनट तक एक्सप्लेन किया, 2 या 4 मिनट तक एक्सप्लेन किया कि यू हैव टू डू लाइक दिस, यू हैव टू डू रिसर्च ऑन चिल्ड्रेन, यू हैव टू डू रिसर्च ऑन चिल्ड्रेन लाइक व्हाट दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द लाइक सॉल्यूशन फॉर द चिल्ड्रेन। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सर, मैंने उस इंटरव्यू में नर्वस ना होकर जो भी सर ने पूछा, मुझे जितना इंग्लिश आता था, मुझे जितना हिंदी आता था, मैंने दोनों को मिक्सचर करके सर को बहुत ही अच्छा आंसर दिया। उसके बाद सर को मैंने पूछा कि मेरा क्या पता नहीं मैं सिलेक्शन हो पाओगे, मतलब मेरा सर को भी नहीं पता था बिकॉज ये पोर्टल डिजाइन सर का ड्यूटी था, मेरा सिर्फ इंटरव्यू लेना, लेकिन ये गांधी फेलोशिप जो है वो लोग डिसाइड करेंगे कि मैं सिलेक्ट हुई कि नहीं। लेकिन सर को मैंने पूछ लिया कि सर मेरा इंटरव्यू कैसा था और क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि ताकि मैं फ्यूचर में जो इंटरव्यू मैं फेस करूँ वहाँ पे मुझे मदद मिल जाए। तो सर ने बहुत ही 5 या 6 मिनट मुझे बहुत ही अच्छा एडवाइस दिया। उसके बाद सर ने मुझे बहुत ही अप्रिशिएट किया, द वे आई हैव टॉक विथ हिम, द वे आई आंसर एवरीथिंग, ही रियली लाइक ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड। तो वो जब बोला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद तो मैं मेरा खुद का काम पे लग गई, मैं वहाँ पे जाती हूँ, वहाँ पे आप सब देखते हो मैं घूमते घूमते रहती हूँ। अचानक से मुझे एक कॉल आया 10 दिन या 15 दिन के अंदर कि मैम यू हैव टू लाइक डू सम वेरिफिकेशन, वी आर फ्रॉम द वेरिफिकेशन टीम, सो फॉर वट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड द गांधी फेलोशिप ऑल द राउंड, सो यू हैव यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम फॉर 2 ईयर। सो वट, मैंने पूछा वट, मैंने मेरा सिलेक्शन हो गया लेकिन मेरा कुछ कन्फर्मेशन नहीं आया। उसने बोला कि आपका मेल आईडी ओपन कीजिए, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, देखिए हमने कन्फर्मेशन भेजा है। और सीरियसली मैंने मेल आईडी ओपन किया, फाइनली मैंने देखा, बिकॉज मेरा मेल आईडी पे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट वो वगैरह वगैरह का मेल आता रहे तो मैं ओपन करके भी नहीं देखती हूँ। फिर जब मैंने देखा सच में दैट यू हैव क्लियर्ड ऑल द राउंड एंड यू आर सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट 2 ईयर जर्नी फॉर गांधी फेलोशिप, वो मैं देख के पागल पागल हो गया, वाह मैं गांधी फेलोशिप मेरा हो गया, फाइनली मैं गांधी फेलो बन गई। तो वो सब मैं सुन के बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ, जो मैं एडुकेशन के लिए सब सर्टिफिकेट जो भी उनको चाहिए था मैंने जमा किया, लेकिन बाई जो भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने उस गांधी फेलोशिप में ज्वाइन नहीं कर पाए, बट द वे आई लाइक इन्वॉल्व माई सेल्फ, वो चीज़ में मुझे चाहिए था इसकी वजह से ही शायद मैं क्लियर कर पाई। मुझे पता नहीं था व्हाट इज़ गांधी फेलोशिप, कैसे उसको अप्लाई किया जाता है, कैसे ग्रुप डिस्कशन में बात किया जाता है, कैसे इंटरव्यू में बात किया जाता है, मुझे नहीं पता था। बट वो मोमेंट पे मुझे लगा कि इट इज़ टाइम टू शो माई बेस्ट, मुझे अपना बेस्ट देना है, वही मैंने दिया। और मैं फाइनली मेरा ऑफर लेटर सब कुछ आ गया था लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। बट मैं सबको बताना चाहूँगी कि गांधी फेलोशिप इज़ ए रियली गुड प्रोग्राम टू एक्सप्लोर योर सेल्फ इफ़ यू आर ए सोशल वर्कर, इफ़ यू आर नॉट ए सोशल वर्कर, इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर योर सेल्फ देन इट इज़ द बेस्ट प्रोग्राम, ओके। एंड ऐसा नहीं कि सोशल वर्क डिपार्टमेंट से जो है वही अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से कहीं कोई भी स्ट्रीम से हो आप अप्लाई कीजिए, अगर आपको आपको जो है आपका जो वे यू विल राइट योर एप्लीकेशन अगर वो लोग जो पोर्टल है जो टीम है अगर वो अप्रूव करते तो आगे का सफ़र तो बहुत ही अच्छा है और यू विल गेट ब्यूटीफुल 2 ईयर इन योर लाइफ। तो इतना तक ही है गाइस, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ गांधी फेलोशिप का वेबसाइट पर जाइए, हर दिन देखिए कब वो पोर्टल ओपन हो रहा है, अप्लाई कीजिए। अगर और वो 2 साल जो है सुनहरा 2 साल जो है काम करने के लिए आपको मौका मिलेगा, तो मुझे तो मौका मिल के मतलब होता है ना कि ये एक सक्सेस था मेरा लाइफ में, अचीवमेंट था जो आप सबसे मैंने शेयर किया है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मैंने कैसे अप्लाई किया, कैसा हुआ है, तो दिस इज़ द थिंग, मैंने अप्लाई किया है और आप सब भी अप्लाई कर सकते हैं और आप सब भी गांधी फेलो बन सकते हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, परवीन की दुनिया को सब्सक्राइब कर देना, कुछ एडिशन चाहिए तो गाइस कॉमेंट कर देना,
और क्या बोलने वाली थी। बाय गाइस, खुदा हाफिज़।